हर लड़की नहीं मुझे चाहिए एक मेरी जान, तेरे आगे मुझे लगे सब फेक मेरी जान, तेरी नजरों में शायद मैं कहीं पे ना दिखूं, मेरी नजरों से खुद को तू देख मेरी जान। इंस्टाग्राम रील्स पे ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और अगर आप ऐसा वीडियो बना के अपलोड करते हो ना, आपका वीडियो भी ज़रूर से वायरल हो सकता है। इस वीडियो को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक से दो स्टेप को फॉलो करना है और ये वीडियो आपका कंप्लीट बन जाएगा। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, VN ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेना और उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोज़ के लिए, ठीक है। फिर आप लोगों को VN ऐप जब ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको प्लस का ऑप्शन पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद वीडियो को यहाँ पर लेकर के आ जाना, ठीक है। इसके बाद आपको साउंड को म्यूट कर देना है यहाँ से। इसके बाद ओरिजिनल पे जाना है और आपको यहाँ से टिकटॉक वाले 9 वाले रेशियो को ऐड कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा आगे आना है और आगे आना है, और आगे आने के बाद जहाँ पर ये वीडियो जहाँ पर स्टार्ट होता है नेक्स्ट वाला वीडियो जो है लिरिक्स के बाद में जो वीडियो स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको वीडियो पे क्लिक करना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है और आपके वीडियो डिलीट कर देना है, वाटरमार्क को भी डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपन ने साउंड म्यूट कर ही दिया था, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको वीडियो एंड फोटो पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ से फोटोज़ पे जाना है और वीडियोज़ पे ही जाना है, और आपने जो भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है आप उस वीडियो को यहाँ लेकर के आ जाना। जैसे मैं यहाँ पे किसी और का वीडियो लेकर के आ जाता हूँ, यही मेरे पास एक वीडियो, ठीक है, जैसे ये वीडियो मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। इसके बाद में ना अब आपको करना क्या होगा, आप लोगों को वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पार्ट पर आना है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर इसी के जस्ट ऊपर गैलरी के ऊपर, फिर आपको वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है। मैंने आपको स्काई वाला वीडियो एक लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना, इसको मैं यहाँ से फुल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ तक फुल ऐड कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे जो बिल्कुल एंडिंग पे आ जाना है और मास्क वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको लाइनर पे क्लिक करना है। फिर से वापस आपको लाइनर पे ही क्लिक करना है, आपको दो एरो के निशान मिलेंगे, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, आपको नीचे वाले को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेकर के आ जाना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा तो आपको जो स्काई वाला वीडियो है वो कुछ इस तरीके से लगने वाला है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। इसके बाद में ना फिर जस्ट आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पर जो ऑडियो को मतलब ऑडियो को ऐड करना है वो कैसे करना है, आपको टेप टू ऐड म्यूजिक पे जाना है, फिर आपको म्यूजिक पे जाना है, फिर आप लोगों को यहाँ प्लस ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाना है, और आप लोगों ने जिस वीडियो को स्टार्टिंग में ऐड किया था ना उसी वीडियो को वापस से ऐड करना है, और आपको यहाँ से ओके करना है और इसका ऑडियो निकल करके आ जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक करके ले करके आ जाना, ठीक है, इसका ऑडियो यहाँ पर आ चुका है। अब आप यहाँ पर स्काई का वीडियो लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, अगर आप नॉर्मल वीडियो अपना ऐड करना चाहो तो आप नॉर्मल वीडियो भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप स्काई वाला वीडियो लगाओ। और अगर आप बर्ड्स वगैरह ऐड करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बर्ड्स वाला वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन सेम इसी की तरह बर्ड्स भी इसके अंदर ऐड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्काई ऐड हुआ है, ठीक है। जहाँ तक ऑडियो है, ऑडियो के बराबर अपन वीडियो को लेकर के आ जाएंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट भी क्लिक करेंगे, वीडियो रिलेट करेंगे, सब कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग मतलब सब कुछ ऑडियो का अकॉर्डिंग सब एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर वगैरह कोई जो अलग कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सा भी फिल्टर वगैरह ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर इसी को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके बाद ना जस्ट गाइस करना कि आपको अपनी वीडियो के जो अभी आपने ऊपर जो ऐड किया ना अपने इफेक्ट, ठीक है, अपने जो स्काई जो ऐड किया है स्काई पे क्लिक करना है, आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई ऐड करना, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐड करने से ये होगा कि इसका बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये सब कुछ इस तरीके से ही दिखने वाला है, और अगर आप इसमें फिल्टर ऐड नहीं करना चाहो तो आप रहने भी दे सकते हो, आप यहाँ से इसको ओरिजिनल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर करना चाहो तो वो आपकी मर्जी की बात है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद अपनी वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लेना और जाके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना, और हो सके तो मुझे मेंशन कर देना, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोज़ के लिए। तो बस यही था आज की इस वीडियो।